आज काफ़ी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ टनल के बाद। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया। आई थिंक हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कब है? नहीं, मेरा वाला परसों है, तो फिर आपके जो सवाल हैं हम परसों जवाब देंगे उनके। थैंक यू। आगे आगे हाँ कल, जी। अरे यार देखो, मैंने कहा करेंगे। साथियों, जैसा कि अभी राहुल जी बोलकर गए हैं, आज उनको करीब 16 किलोमीटर चलना था बनिहाल से यहाँ अनंतनाग तक, पर मुश्किल से वो 4 किलोमीटर चल पाए। पर भारत यात्री, 200 भारत यात्री सभी ने आज 16 किलोमीटर पूरा किया। जो हुआ आज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी भारत यात्रियों ने पूरा 16 किलोमीटर पूरा किया। आज जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अभी अभी राहुल जी की सिक्योरिटी टीम और प्रशासन के बीच में बातचीत चल रही है ताकि ये कल ये दोहराया नहीं जाएगा, और परसों भी जो यात्रा है उसमें भी ये परेशानी हमें इसकी सामना करना नहीं पड़ेगी।